सो एवापोरेशन, एवापोरेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो लिक्विड है वो गैस के अंदर चेंज होता है, लेकिन लोअर देन द बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, इट कंटिन्यूज एट ऑल द टेम्परेचर, ठीक है। ये नहीं है कि अनलाइक द बॉइलिंग पॉइंट, या बॉइलिंग जो है वो एक खास स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर जाकर वहाँ पे लिक्विड जो होता है बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जो एवोपरेशन है ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। जैसे कि हमारे पास कपड़े होते हैं जिसको हम गीले होते हैं, ठीक है, तो उसको जब तार के ऊपर लटकाया जाता है तो वो एवोपरेशन की वजह से वो क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं, ठीक है। और उसी तरह हमारे पास जो बारिश होती है और पानी खड़ा होता है ज़मीन के ऊपर, ठीक है, तो वो जो होता है सूरज के निकलने के बाद कुछ उसके अंदर हीट जाती है, और वो आहिस्ता आहिस्ता जब हम स्कूल से वापस आ रहे होते हैं तो देखते हैं तो वो वहाँ पे पानी नहीं होता। सो वेयर इट हैज़ गॉन, इट हैज़ एवोपरेटेड, ठीक है, या बुखारात बन के उड़ गया है, दैट इज़ कॉल्ड एवोपरेशन। सो एवोपरेशन इट टेक्स प्लेस इज डेफिनेटली इज़ ए प्रोसेस, ओके, इन विच लिक्विड चेंजेस इन टू into gases, into gas at lower than the boiling point, at temperature lower than the boiling point. Okay, so is called evaporation. Is a process in which the liquid changes into the gas at temperature lower than the boiling point. Okay. तो ये क्या है, वैसे इसके डिफरेंस हम कर लेते हैं कि एवोपरेशन के अंदर और बॉयलिंग के अंदर क्या डिफरेंस है। ओके, वी शुड नो द डिफरेंस बिटवीन द एवोपरेशन एंड द बॉयलिंग। तो एवोपरेशन जो होती है, ठीक है, ये आपके पास लोअर देन द बॉयलिंग पॉइंट होती है, टेक्स प्लेस एट द लोअर देन बॉयलिंग पॉइंट, और जो बॉयलिंग होती है, ठीक है, वो क्या होती है, एट बॉइलिंग पॉइंट होती है, अकर्स ओनली एट बॉइलिंग पॉइंट। एट बॉइलिंग पॉइंट ओनली, यानी कि वाटर है तो 100 पे जाके वो बॉयल होना स्टार्ट होगा, लेकिन एवोपरेशन बुखारात उसके बनने का अमल जो होता है, एवोपरेशन का जो प्रोसेस होगा वो तो 0 सेंटीग्रेड, 1 सेंटीग्रेड, 2 सेंटीग्रेड पे भी होता रहेगा, यानी कि 0 पे तो चलो वो मेल्ट हो गए, लिक्विड बनेगा, वन से और इस तरह वन से स्टार्ट होकर 99 तक वो एवोपरेट होता रहेगा। डेफिनेटली टेम्परेचर के ज़्यादा होने के साथ एवोपरेशन की स्पीड ज़्यादा होगी, कम होने के साथ कम होगी, लेकिन इट टेक्स बट एवोपरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल द टेम्परेचर। अच्छा, जो आपके पास है एवोपरेशन है, ये आपके पास एक सरफेस फनामना है, टेक्स प्लेस एट द सरफेस ओनली, एट द सरफेस ऑफ ऑफ लिक्विड ओनली, और जो बॉयलिंग होता है ये थ्रू आउट द सब्सटेंस होता है, थ्रू आउट द लिक्विड होता है, अकर्स थ्रू आउट द जब केटल के अंदर वाटर, जब हम उसको कॉफी बना रहे होते हैं, ग्रीन टी बना रहे होते हैं, तो उसको जब हम इलेक्ट्रिक केटल को हम यूज़ कर रहे होते हैं, उसके अंदर जो वाटर होता है वो जब बॉयल हो रहा होता है तो पूरी केटल हिल रही होती है, तो होल एंटायर केटल इज शेकिंग, ओके, इज इन मोशन अ लिटिल बिट, यू कैन से इज, ठीक है, उसके अंदर वाइब्रेटिंग, यू कैन से दैट मोशन भी नहीं कह सकते, वाइब्रेट नहीं कह सकते, इज शेकिंग, ओके, तो वो पूरी हरकत कर रही होती है। अच्छा, इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, ठीक है, ये ऐसा ऐसा होता है, और जब बॉइलिंग होती है तो डेफिनेटली इट इज़ द इट अकर्स रैपिडली, रैपिड प्रोसेस यू कैन से, बट बोथ आर द प्रोसेसेस इन विच द लिक्विड चेंजेस फ्रॉम द सॉलिड टू द लिक्विड चेंज फ्रॉम सॉरी सब्सटेंस चेंज फ्रॉम द लिक्विड टू द गैस। सो नेक्स्ट इज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन जो है ना, ये इस तरह प्रोसेस है कि इफ वी हैव ओवर हेयर इन कॉमन एग्जाम्पल वट वी यूज़, हमारे पास ना राइस होते हैं, चावल होते हैं, उसके अंदर पानी होता है, उसको हम दम दे देते हैं, ठीक है, उबले हुई है, तो
उसको दम दे देते हैं, यानी कि वो यूज़ द लिड, ठीक है, ढक्कन ऊपर से लगा देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ से जो इसके अंदर वाटर होता है, यहाँ से तो एवोपरेट होकर ऊपर जाता है, टकराता है, लेकिन ऊपर जो ढक्कन है वो ठंडा है, उसका टेम्परेचर कम होता है। तो यहाँ पे जो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है और जो इसके अंदर हीट होती है इन पार्टिकल्स के अंदर, जो कि वाटर के जो गैस पार्टिकल्स होते हैं ऊपर जाते हैं, अपने हीट को लूज़ कर देते हैं, दोबारा ये क्या हो जाते हैं, गैस लिक्विड बन जाते हैं, गैस लिक्विड बन जाता है। जब हम इस ढक्कन को उठाते हैं तो उससे पार्टिकल्स वो टपक रहे होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है इन विच गैस चेंजेस टू द लिक्विड। ठीक है, इज अ प्रोसेस इन विच गैस चेंजेस टू द लिक्विड। ओके, तो हाउ इट हैपन्स व्हेन वेपर्स टचेस टू द कोल्ड सर्फेस। ठीक है, ये जब जब कोल्ड सर्फेस से टच करेंगे, अगर इसको आप ढक्कन को उठा दें और ऊपर अपने अपना हाथ लेके आएँ, तो वो जो हथेली है हाथ की, उसके ऊपर भी बुखारात जो होंगे, जो उसके वेपर्स होंगे, वो टच करेंगे और वो क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा, यानी कि वो वाटर हथेली से भी आना शुरू हो जाएगा, द फॉर्म ऑफ। सो दिस इज ऑल अबाउट कंडेंसेशन, इट इज़ द रिवर्स, यू कैन से इट इज़ द रिवर्स ऑफ एवेपोरेशन। ऑफ बॉइलिंग एवेपोरेशन। एंड वन मोर थिंग, इट हैपन्स वेन द वेपर्स टचेस टू द कोल्ड सर्फेस। ऐसा ना हो कि जो सर्फेस जिसके साथ टच कर रहे हैं वो इससे भी ज़्यादा हॉट हो और हम कहेंगे कंडेंसेशन होगी, फिर कंडेंसेशन नहीं होगी। नेक्स्ट इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है विच द सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम द सॉलिड टू गैस, डायरेक्टली गैसेस विदाउट गोइंग थ्रू द लिक्विड फेज। इज अ प्रोसेस इन विच सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट या गैस विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट। दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। अच्छा, ये कौन से सॉलिड्स होते हैं जिनकी सब्लिमेशन होती है? हमारे पास ड्राई आइस होती है, फॉर एग्जांपल ड्राई आइस, जो ड्राई आइस है, ड्राई आइस को हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड होती है और ये किस प्रोसेस में होती है? फॉर फ्रीजिंग। ठीक है, फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ दी प्रिजर्वेशन ऑफ फूड आइटम, या इसको आप फिश कर लें, जो फिश हम एक्सपोर्ट करते हैं या बाकी जो श्रीलंका वाले एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो उसको सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, ड्राई आइस यूज़ करते हैं। ड्राई आइस का क्या बेनिफिट है? ड्राई आइस जो है ना, वो डायरेक्टली सॉलिड से क्या हो जाएगी, गैस बन जाएगी, यानी कि वहाँ पे लिक्विड नहीं बनेगी और वहाँ खिचड़ी नहीं बनेगी, वहाँ पे दोबारा उसको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ड्राई आइस है, कूलिंग कर रही है और ये बहुत ज़्यादा कूलिंग प्रोवाइड करती है, इसका एक बेनिफिट आपको बता रहा हूँ। तो ये क्या है कि जब तक है तो ड्राई है और ये कूलिंग कर रही है, और जब ये कन्वर्ट होगी तो सीधी गैस बन जाएगी और वहाँ से गायब हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या है कि इसके एक और चीज़ है आयोडीन, ये भी सबलाइम होता है। उसके बाद है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड,
NH4 अमोनियम, NH3 अमोनिया है, NH4 अमोनियम है और ये Cl क्लोराइड। ठीक है, ये अच्छा। उसके बाद डिफ्यूजन है, ठीक है, और डिफ्यूजन का हम ज़रा थोड़ा सा देख लेते हैं, या इसको समराइज कर लेते हैं। फिलहाल समराइज क्या करते हैं कि हमारे पास सॉलिड है, ठीक है, वो आगे लिक्विड में कन्वर्ट हुआ और लिक्विड जो है वो किस में कन्वर्ट हुई, गैस में। तो सॉलिड के लिक्विड में कन्वर्ट होना उसको मेल्टिंग कहते हैं, और वो स्पेसिफिक टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना इसको क्या कहते हैं, बॉयलिंग कहते हैं, या इसको एवोपरेशन भी कहते हैं। गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना इसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। और लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना इसको हम फ्रीजिंग कहते हैं। सॉलिड का डायरेक्ट गैस के अंदर जाना इसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। इसमें आपको टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, और इसमें आपको टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा, इसमें भी आपको टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तब इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। ठीक है, चलिए आगे हम ज़रा देख लेते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होती है? डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। ये मैं अपनी तरफ से आपको सिंपल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम, जल्दी से ज़रा इसको कवर कर लेते हैं, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जैसे कि परफ्यूम को यूज़ किया जाता है, अब एक टीचर आता है क्लास में, उसने परफ्यूम यूज़ किया हुआ है, तो ही इज स्टैंडिंग नियर द वाइट बोर्ड, बट द लास्ट स्टूडेंट कैन ऑल्सो आफ्टर सम टाइम विल बी एबल टू स्मेल दैट द फ्रेगनेंस ऑफ दैट परफ्यूम। तो क्या हुआ कि वो परफ्यूम जो है वोलेटाइल है, वो पार्टिकल्स क्या होंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। इस तरह पानी होता है, ठीक है, जब पेल या बाल्टी फुल हो जाती है तो उससे फिर आगे पानी बहना शुरू हो जाता है नीचे की तरह। तो यानी कि पार्टिकल चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, सॉलिड का ना डिफ्यूजन बहुत स्लो होती है या ना होने के बराबर है। सम टाइम इट इज सेट लिक्विड के अंदर होती है और गैस के अंदर बहुत तेज़ होती है। तो ये जब मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द हायर कंसनट्रेशन, यानी कि जहाँ उनकी इरतकाज़, जहाँ उसकी मकदार ज़्यादा होती है, टू लोअर कंसनट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अब ज़रा इसके ना जो सबसे अहम चीज़ है जो हमने स्टडी करनी है, द फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन। इसके एग्जाम्पल भी है लेकिन अब टाइम कम है तो मैं सिर्फ इसके फैक्टर्स बताता हूँ। फैक्टर्स वो आर वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू स्टडी, ठीक है। तो जी फैक्टर्स, एक है एक है मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो एक है मॉलिक्यूलर मास, तो जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है उसका डिफ्यूजन क्या है, कम है। यानी कि रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्यूजन। ये जब ओवर में लिखा जाता है उसका मतलब है इनवर्सली प्रोपोर्शन, ठीक है। जिसका मास ज़्यादा होगा उसका डिफ्यूजन कम होगी। सपोज आई एम राइटिंग हेयर HCl और इधर लिख रहा हूँ NH3, ये आपने एग्जाम्पल पढ़ी होगी। तो ज़रा HCl कितना है, 35.5 इसका है, अगर ये 36.5 हो जाएगा, 36.5, और इधर इसके मॉलिक्यूल का यान 14 है, एक नाइट्रोजन का और वन हाइड्रोजन का और तीन नाइट्रोजन का डाल के ये 17 हो जाएगा। तो इट विल मूव लेस डिस्टेंस एज कंपेयर टू द, ठीक है, और यहाँ पे वाइट फ्यूम बनेंगे, ठीक है, विच आर वाइट फ्यूम शोइंग NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड बन गया, ठीक है। ये दोनों के मिलने से ना NH3 और ये NH4 बन जाएगा और साथ Cl बन जाएगा, तो मतलब यहाँ वाइट फ्यूम बनेंगे। इट मीन्स एंड यू विल गेट टू नो दैट HCl हैज़ कवर्ड लेस डिस्टेंस एज कम्पेयर टू द NH3, बिकॉज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl इज हायर, सो दैट्स व्हाई इट हैज़ लो रेट ऑफ डिफ्यूजन, ओके, एंड इट्स मॉलिक्यूलर मास इज लोअर सो इट हैज़ मोर डिफ्यूजन। तो अब इसको ज़रा डिफाइन कर लेते हैं कि गैसेज विद द लोअर मॉलिक्यूलर मास डिफ्यूज फास्टर देन द विद द हायर मॉलिक्यूलर मास।
गैसेस विद लोअर मॉलिक्यूलर मास डिफ्यूज फास्टर देन हाई मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए विच गैस डिफ्यूज फास्टर, तो उनका मास देख लें। जिसका मास कम होगा वो तेज होगी, जिसका मास ज़्यादा होगा वो स्लो होगी। बस सिंपली दिस इज द कंसेप्ट। सेकेंड थिंग इज टेम्परेचर। सेकेंड थिंग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन। वजह क्या है कि टेम्परेचर ज़्यादा होने से काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो डिफ्यूजन क्या होगी, तेज़ होगी। ठीक है, हायर द टेम्परेचर हायर द रेट ऑफ डिफ्यूजन। हायर द टेम्परेचर हायर द रेट ऑफ डिफ्यूजन। गर्मियों में जो हमारी खुशबू होती है वो जल्दी गायब हो जाती है, सर्दियों में वो शाम तक रहती है। उसकी वजह क्या है कि टेम्परेचर ज़्यादा होता है गर्मियों में तो डिफ्यूजन ज़्यादा तेज़ हो जाती है। ठीक है, और सर्दियों में वो धीमी धीमी खुशबू होती है, वो नहीं ज़्यादा फैलती। इसकी वजह क्या होती है, टेम्परेचर कम होता है तो डिफ्यूजन स्लो होती है। दीज आर टू।